बात बताइए, एक बात, नीतीश कुमार सरकार रैलियाँ हो सकती है, ठीक है, वो यूपी में अभी चुनाव हो रहा है, 5 जगह राज्य में चुनाव हो रहा है, वो सब कंडक्ट हो सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूट सबसे पहले सर्वप्रथम बंद किया जा रहा है, यह ऐसा क्यों? नेता के बेटा होते तो यही बात बोलते हैं। हम नेता जरूर यही बात बोलते हैं, सवाल ही नहीं। अगर मेरे पिताजी भी इस जगह पे होते, वो भी गलती किए होते, तो हम इस बात को बोलते हैं। जैसे चुनाव होता वैसे परीक्षा भी होनी चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए। जरूर फ्री एंड फेयर एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। जोर घटाव था और क्या? जोर घटाव था। 6 दुनी कितना होता है? 6 दुनी 18। 6 दुनी 18। 6 दुनी 12। 12 होता है। ऑनलाइन पढ़ाने वाला कौन था? कोई नहीं था। कोई नहीं था, बताइए। मास्टर साहब को जो पैसा मिलता है तो पढ़ाने की जिम्मेदारी होती है ना। मास्टर साहब के झोपड़ी है, कहियो मोदी जी कुछ की है? मोदी जी का क्या दोष है इसमें? सारा मोदी जी ने किए हैं। मोदी जी मैट्रिक की परीक्षा थोड़े ले रहे, बिहार बोर्ड ले रहा है। अच्छा, तो बिहारे बोर्ड वाला के कह रहे हैं, वही ना प्रधानमंत्री है। तो मैट्रिक की परीक्षा भी तुम फेल कर जाओगे तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार है? और कौन जिम्मेदार है? लाइकन का लॉकडाउन जिम्मेदार है? पढ़ाई प्रधानमंत्री जो करवाए तो कौन जिम्मेदार है? मौका मिलेगा तो ऐसा बात नहीं है, जरूर होगा। मौका मिलेगा तो जरूर होगा। मौका के तो फायदा उठाया जाएगा ना, तो उठाएगा करता है। लेकिन सरकार बोलती है, बिहार बोर्ड बोलता है कि हम एकदम भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा लेते हैं। ना ना, बोलने वाले को बोलने दीजिए, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, पूरे राज्य में आज से मैट्रिक की परीक्षा प्रारंभ हो गई है, और हम राजधानी पटना के एक ऐसे ही सेंटर पे खड़े हैं जहां परीक्षार्थी पहला एग्जाम देकर के निकले हैं। यहां कुछ बच्चे हैं। किस चीज का पेपर था बाबू? मैथ का सर। कैसा पेपर गया? बहुत बढ़िया गया। कैसा महसूस हो रहा है आज पहली बार जिंदगी में आपने एग्जाम दिया है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्वेश्चन आसान था कि सर? क्वेश्चन भी क्वेश्चन फैंटास्टिक था सर, बहुत अच्छा था, हिसाब से बहुत अच्छा था, मीडियम था, उतना ही हाल गाड़ी। किस चीज़ का एग्जाम था? मैथ का। कैसा पेपर था? बहुत अच्छा गया है सर। डर नहीं ना है फेल हो जाने का? कुछ नहीं, फेल होने का मतलब कि 90 से पार आएगा। 90 से पार आएगा। कैसा गया पेपर? सही गया। कौन सा पेपर था? गणित का, मैथ का था। टाइट था एग्जाम, गाड़ी खूब टाइट थी। हाँ। चोरी करने का मौका मिला कि नहीं? नहीं, चोरी करने का मौका नहीं मिला। जूता पहन के जाने दिया इस बार? यस। जूता निकलवा दिया, पहन के जा सकते हैं? हाँ। कैसा पेपर किया बाबू? क्या नाम है आपका? वसीम आलम। है? वसीम आलम। वसीम आलम, कैसा पेपर था? ठीक था सर। कौन सब्जेक्ट का एग्जाम था? क्या मैथ? मैथ का। सब सॉल्व कर दिए? पास कर जाओगे उम्मीद है? कैसा पेपर था? अरे बोलिए, भाग कह रहे हैं बॉस। का चीज का एग्जाम था? मैथ्स का। तो भागने की क्या जरूरत है, परीक्षा देके आए आप। परीक्षा देने के बाद तो आदमी का ऐसे भी मनोबल बढ़ा रहता है। ज्यादा टफ था कि आसान था? ठीक था, मीडियम था। मीडियम था। हाँ। और क्या कुछ शक्ति थी अंदर? शक्ति भी था, मीडियम था, ज्यादा नहीं था, मतलब टाइट था फिर भी। आपने भी परीक्षा दिया है? कौन सा पेपर था? मैथ्स का। सॉल्व हो गया सब? हाँ, सब सॉल्व हो गया। क्वेश्चन कोविड की वजह से पढ़ाई नहीं हुई थी। हाँ। तो क्वेश्चन इजी था कि टफ था? बहुत इजी था। बहुत इजी था। हाँ। आप भी परीक्षा देकर निकले हैं जी? क्या नाम है? आइए। अभिषेक कुमार। है? अभिषेक कुमार। कौन सी का पेपर था जी? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स था जी। क्या का लिखे? टोटल लिखती है जो जो क्वेश्चन आया था सब जी। ऑब्जेक्टिव कितना था उसमें? ऑब्जेक्टिव 100 को था। 100 में कितना हल करना था? 50 को कर दिए पूरा जी। कितना नंबर आएगा? कम से कम आ जाएगा 70+। 70 का आएगा? मतलब 90 ना आएगा? नहीं, उतना नहीं आ सकता है। पढ़ाई नहीं हुई लॉकडाउन में? हुआ नहीं, अब काट छोट के आएगा उतना, तब हम काट छोट के आएगा। कुछ गलती हुई है जी। यहाँ कुछ और परीक्षार्थी हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। किस चीज का पेपर था? का चीज का पेपर था? मैथ का था। लिखाया? हाँ। काका लिखे कोची था? जोड़ घटाव था कि उससे ऊपर था? जोर घटाव था और क्या? जोर घटाव था। 6 दुनी कितना होता है? 6 दुनी 18। 6 दुनी 18। 6 दुनी 12। 6 दुनी 12 होता है। आप एग्जाम दे क्या है? यस सर। क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार। का चीज का पेपर था? मैथ का। बढ़िया लिखाया? हाँ सर। टाइट था कि चोरी हो रही थी? नहीं, चोरी नहीं, टाइटिंग खुद से बना था। जूता पहन के जाने दिया इस बार? यस सर, जाने दिया था। जूता पहन के जाने दिया ना? यस सर। लॉकडाउन में तो बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे थे, जो शिक्षा का मामला नहीं था, तो टफ लग रहा था कि परीक्षा देने में मुश्किल हो सकती है। ऑनलाइन पढ़ाने वाला कौन था? कोई नहीं था। कोई नहीं था, बताइए। मास्टर साहब को जो पैसा मिलता है तो पढ़ाने की जिम्मेदारी होती है ना। मास्टर साहब के झोपड़ी है, कहियो मोदी जी कुछ की है? मोदी जी का क्या दोष है इसमें? सारा मोदी जी ने किए हैं। मोदी जी मैट्रिक की परीक्षा थोड़े ले रहे, बिहार बोर्ड ले रहा है। अच्छा, तो बिहारे बोर्ड वाला के कह रहे हैं, वही ना प्रधानमंत्री है।
तो मैट्रिक के परीक्षा में तुम फेल कर जाएगा तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार है? और कौन जिम्मेदार है? लाइकन के लॉकडाउन कौन जिम्मेदार है? पढ़ाई प्रधानमंत्री रुकवाए तो कौन जिम्मेदार है? बीमारी आई थी, कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता तो बीमारी में लॉकडाउन लगाता, टाइम बढ़ा देते सेशन लेट होता, फिर तुम ये हल्ला करते भाई कि सेशन लेट हो गया। तो सबसे पहले स्कूल ही बंद होता, पहले कुछ और भी तो बंद हो सकता था ना। नहीं नहीं, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रहते हैं प्रधानमंत्री या जो सरकार है वो रहती होगी, इसलिए ऐसा फैसला लिया होगा। स्कूल सबसे बाद में बंद करना चाहिए या खोलने में सबसे पहले खोलना चाहिए स्कूल? तो आपको लगता है कि कोविड की वजह से जो है ज्यादा शिक्षा प्रभावित हुई है, बच्चों को ज्यादा परेशानी बहुत हुआ सर? 9 क्लास भी वही हुआ, 10 क्लास भी पूरा बंद ही रहा। आप भी परीक्षा देके निकले हैं, क्या नाम हुआ आपका? नहीं अभी जा रहे हैं देने। अच्छा, वो दूसरी सीटिंग में है, कौन सा पेपर है? मैथ। तैयारी है? हाँ तैयारी। एकदम लिख दोगे छाप के? हाँ लिख देंगे। छाप लेके नहीं ना आए हो? नहीं। चोरी का अगर इंतजाम होगा तो करोगे? नहीं नहीं करेंगे। नहीं, अगर चोरी करवाने का इंतजाम हो सेंटर पे, बहुत जगह ऐसा हुआ है इसी बिहार में जो है भ्रष्ट, अगर मौका मिलेगा तो करोगे? मौका मिलेगा तब ना। नहीं नहीं, मौका अगर मिलेगा तो करोगे? माली चांस मिलता है, छात्र क्या समझता है? छात्र तो यही सोचता है कि हमको कहीं से लिखने का मौका मिल जाए, तो मौका मिलेगा तो करोगे चोरी? हाँ करेंगे, करेंगे मौका मिलेगा तो। बिल्कुल। और आप भी परीक्षार्थी हैं? आप एग्जाम देने जा रहे हैं? नहीं सर। तो यहाँ कहाँ खड़े हुए हैं? कहाँ जाए, अभी आप एग्जाम हो गया बाबू आपका? सेकंड सिटिंग में है? कहाँ चीज का परीक्षा है? मैट्रिक का। कैसा महसूस कर रहे हो? एग्जाम, जब मैट्रिक का एग्जाम देने जाता है बच्चा तो बहुत खुशी होती है, घर में लोगों से माँ पिता से दुआ लेकर के आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। हालांकि अब तो ऐसा माहौल नहीं रहा, जब हम लोग जिस जमाने में मैट्रिक का एग्जाम देते थे उस जमाने में और मुश्किल होती थी, आज तो आसान हो गई। तो क्या क्या तैयारी है? चीट उठ लेके आए हो? ना चीट लेकर नहीं आए हैं। एक लड़का तो कह रहा था कि मौका मिलेगा तो चोरी कर लेंगे, तुम नहीं लाए हो? ना ना, मौका मिलेगा, हम खुद 2 साल पढ़ के आए हैं। पढ़ के आए हो? मैथ का आज पहला पेपर है। चलो शुभकामनाएं हमारी। परीक्षा दे क्या है आप, कि देने जा रहे हैं? नहीं सर, अभी देने जाएंगे। देने, क्या नाम हुआ आपका? अमन सर। अमन, तैयारी है पक्की? यस सर। अंदर क्या मामला माहौल पता कर लिया छात्रों से जो लोग पहली बार एग्जाम दे के आए हैं? नहीं सर, अभी किसी से नहीं मिले, जस्ट अभी आए सेंटर पर। कहाँ घर हुआ आपका? सदुरा सर, पालीगंज। कैसी तैयारी है, सब कुछ हल हो जाएगा? यस सर, 90 आ जाएगा। 90 आ जाएगा, ये विश्वास अभी एग्जाम देने से पहले? यस सर। चोरी उड़ी का चांस है कुछ? बिकॉज क्वेश्चन इज सो इजी सर। परीक्षा दे के आए, परीक्षा देने जा रहे हैं? सर देने जा रहे हैं। कहा चीज का, कौन सब्जेक्ट? मैथ का। क्या शुभ नाम हुआ? विशाल। क्या लिखना है, तैयारी पूरी? हाँ सर, बहुत अच्छा सर। नहीं, एक लड़का से अभी पूछा 6 दुनी तो बोला 6 दुनी 18, मैथ का एग्जाम देके निकला था अभी। क्या मतलब समझ नहीं पाया अभी, क्या बोले? कैसा महसूस कर रहे हो, फर्स्ट टाइम परीक्षा दे रहे हैं? हाँ सर, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तैयारी है पूरी? यस सर। जैकेट वैकेट में कुछ रखे नहीं ना हो? चेक कर लीजिए, हम काम को अधिकार नहीं, हम पूछ रहे हैं। बैठने में आमतौर से बच्चे जाते हैं थोड़ा मोड़ा चीट पुर्जी लेके जाते हैं। नहीं सर, हमको खुद पे विश्वास है। तो विश्वास है, बढ़िया लिख लेंगे। यस सर। कितना नंबर आ जाएगा? 90 प्लस है। टॉप कर जाओगे तो? 90 प्लस है हमको। नहीं, टॉप कर जाओगे बिहार में, फिर टॉप कर जाओगे, फिर तुम्हारी परीक्षा होगी दोबारा तो? क्या फिर सवाल? रूबी राय वाला कहानी मालूम है कि नहीं? हाँ सर मालूम है, सब मालूम। और गणेश का भी मालूम है, आर्ट्स के टीचर का भी मालूम है, सब पता है तुमको। इसलिए तुम फिर भी बोल रहे हो कि 90 से ऊपर आ जाएगा? हाँ। तो सामने एग्जाम देकर निकलो हो? नहीं, जाओगे। कहाँ चीज का पेपर है? मैथ का। मास्क बड़ी मोटा लगाया तो कोरोना तो खत्म हो गया रे। और अंदर जाने के लिए मास्क बोले हैं जरूरी है, तो लगाना तो पड़ेगा ना। तैयारी है पूरी मैथ की? यस है। कै दुनिया 18? कै दुनिया 18? 9 दुनिया 18। 9 दुनिया 18। कै तरीका 18? 18 है। बोलो आप कहे बोल रहे हैं? कै तरीका 18 पूछ रहे हैं। कै तरीका 18? 3 तरीका 18। आप एग्जाम दिलाने आए हैं? नहीं सर, है आपका? आप एग्जाम दे रहे हैं मैट्रिक का? नहीं सर, इसी है देखने आए हैं कि चोरी उरी चल रही है, परीक्षा चल रहा है कि कोई फिल्म चल रही है, आप देखने आए हैं? फिल्में चल रहा है और क्या, पढ़ाई लिखाई तो कुछ हुआ नहीं। पढ़ाई हुई तो बच्चे तो आए ना एग्जाम देने के लिए? एग्जाम में तो कोई अथी नहीं है कि पास हो जाएगा सब लड़का, ऑनलाइन तो इतना पढ़ाई हुआ। पिछले साल का रिजल्ट तो कोविड के दौरान रिजल्ट तो अच्छा रहा है? रिजल्ट बहुत अच्छा आया है ना, तो छात्र भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी अच्छा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कहाँ अच्छा आया है बताइए हमको। बिहार बोर्ड के बहुत सारे दावे हैं कि हम तय समय सीमा के अंदर रिजल्ट जारी करते हैं, उसके बावजूद भी बहुत तरह की बातें होती है भ्रष्टाचार को लेकर के, चीट पूजा पहुंचाने को, गार्जियन जो होते हैं वो बच्चे को चीट पहुंचाते हैं, कई ऐसी विजुअल्स हम लोगों ने फोटो देखे। वो तो खत्म हो गया अब चीट पहुंचाना, अब लड़का पर ही निर्भर है, अब लड़का जो लिखेगा वही मार्क्स आएगा अब तक। आप भी परीक्षा देने जा रहे हैं? हम तो दीवाने हैं परीक्षा। दीवाने आए परीक्षा? आप परीक्षा दे चुके मैट्रिक का? कब दिए? हम तो दिए 17 में। 17 में कितना नंबर आया था? नंबर तो आया था 269। कौन कौन सब्जेक्ट था?
मैथ है और संस्कृत इंग्लिश सब हिंदी जो आता है मैथी मैट्रिक में। कई दिन 12 होता है? 6 दिन 12। ठीक बा, तुम एग्जाम दो बाबू, दे दिए कि देने जा रहे हो? देने जाना है अभी। अच्छा, बोले हो पहले इस पर? अभी ना नहीं बोला, क्या बोल रहे हो? क्या है तुम जबरदस्ती कर रहे हो? चीट उठ लिए हो? चीट किस लिए लेंगे? चीट की जरूरत पड़ेगा? आज मैथ का एग्जाम है। कल? क्या कल या परसों? कब दूसरा पेपर? कब है दूसरा पेपर? कल ही है सर। साइंस इसमें देख के बोल रहे हो यार? जरूरी है सब चीज याद रखना है, ऐसी माइंड में ऑलरेडी इतना चीज भरा हुआ है कि सब जरूरी। कौन कौन पेपर है इसमें? मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। कई दुनिया 18 होता है? 6 दुनिया 18। क्या 6 दुनिया 18? 9 दुनिया 18। उधर आगे पीछे से मौका मिलेगा तो ऐसा बात नहीं है, जरूर होगा। मौका मिलेगा तो जरूर होगा। मौका का तो फायदा उठाया जाएगा ना, छात्र तो उठाई भी करता है। लेकिन सरकार बोलती है, बिहार बोर्ड बोलता है कि हम एकदम भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा लेते हैं। ना ना, बोलने वाले को बोलने दीजिए, लेकिन ऐसा होता है। ऐसा होता है? हाँ, थोड़ा बहुत हो बेकार। कहाँ आंटी, आप भी परीक्षा देने आई हैं? ना, बेटा को लेके आए हैं। तैयारी पढ़ाए हैं खूब? लॉकडाउन था। हाँ, ये है कि अभी तो अंदर घुस गया है, नहीं तो बिहार बोर्ड के कह रहे हैं तो उसको सामने कर देते। तो अगर उसको मैंने, हम लोग वो नहीं है कि हमारे घर में IAS से लेकर के दरोगा से लेकर सब कुछ है। हम लोग चीट वाले नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा खाली पढ़े। हम लोग यही बच्चे जो आज मैट्रिक दे रहे हैं, कल को IAS और IPS बनते हैं, देश की सेवा करते हैं। तो लेकिन बिहार बोर्ड की छवि कुछ दिनों में खराब हुई है, चोरी को लेकर के। आपने देखा, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे अखबार में छपा, गार्जियन खुद सीढ़ी लगा करके और खिड़की से चीट पहुंचाते रहे हैं और पूरी दुनिया में बदनामी हुई है। दे देंगे और कंपटीशन में कहां देंगे? कंपटीशन में तो हमको तो उसी को ना बैठाना होगा, चीट तो नहीं लेके जाएगा। तो आज का मजबूती होगा तो आगे का मजबूती होगा। इसके लिए गार्जियन भी सतर्क रहे कि वे जो आज मजबूती करे बच्चों को, एक साल के कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ऐसे घूमने वाला बच्चा है कि जिसको खाली कागज के काम है वो करेगा। हम लोग तो IAS से लेकर के दरोगा से लेकर हम लोग का सब परिवार में अफसर है। हाजी, तुम एग्जाम देने जा रहे हो? दे के आए हो? नहीं, दे के जा। बड़ा हरियर कड़े का शर्ट पहनो, अच्छा लग रहा है ड्रेस। क्या नाम हुआ? कुंदन कुमार। है कुंदन कुमार, जोर से बोलो। कुंदन कुमार। कौन सी का पेपर है आज? मैथ। लिखा जाएगा पूरा एकदम टाइट? क्या नंबर आएगा? लिखा जाएगा। कितना अंदाज? अंदाज 400। चीट उठ लाए हो? नहीं। देखो, नहीं लाए हैं। छोटा छोटा लेके आता है लोग? नहीं लेके आए हैं। है? नहीं लेके आए हैं, तैयारी कर लिए। एकदम तैयारी है? कई दुनी 24 होता है? 12 दुनी 24 होता है। 12 दुनी 24 होता है, श्योर। कई दुनी 18? 9 दुनी 18। आप भी परीक्षा देने जा रहे हैं बाबू? दे क्या है? जाने वाले हो। कौन सी का पेपर है? मैथ। बिहार बोर्ड और सरकार की जो तैयारी है उससे खुश हो? एकदम बढ़िया परीक्षा हो रहा है, समय पे हो रहा है ना। पढ़ाई उड़ाई हुआ? हाँ, हो रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई होती थी कि ऑफलाइन? ऑफलाइन। स्कूल बंद था तो ऑफलाइन में कैसे पढ़ लिए तू? बंद था तो नहीं, खुला था। है? बंद था तो घर ही। खुला फिर बंद हुआ, खुला फिर मास्टर साहब को पैसा मिलता था, छात्र थोड़े आते थे स्कूल कॉलेज। जी बोलोगे जी? क्या आप जो पूछिएगा उसी का उत्तर देंगे? क्या पूछेगा? एग्जाम चल रहा है, एग्जाम का बात बताओ। तो एग्जाम ही के बारे में पूछ। सरकार की पॉलिसी से खुश हो? नहीं, सरकार की पॉलिसी से बिल्कुल हम खुश नहीं। कौन सरकार? नीतीश कुमार मोदी। कौन गलती किया? सबसे बड़ा नीतीश कुमार का यहाँ गलती है। का है? क्यों नहीं गलती है? देखिए, सबसे पहले जो भी बंद होता है सबसे पहले इंस्टीट्यूट पर ही कवर किया जाता है। तो पहले जान है कि पहले जहान है, ये बताओ। पहले जान है, बात मानते हैं, लेकिन बात बताइए एक बात, नीतीश कुमार सरकार रैलियाँ हो सकती है, ठीक है, वो यूपी में अभी चुनाव हो रहा है, 5 जगह राज्य में चुनाव हो रहा है, वो सब कंडक्ट हो सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूट सबसे पहले सर्वप्रथम बंद किया जा रहा है, यह ऐसा क्यों? ये सरकार का लॉजिक है कि बच्चों की सेहत जो है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अलग अलग क्षेत्र के बच्चे एक स्कूल में जमा होते हैं, इसलिए हम लॉकडाउन लगाते हैं सबसे पहले। ऐसा भी तो प्रावधान किया जा सकता था कि ऐसा कोई बाद में, सबसे पहले बंद जरूरी नहीं था, जरूरी ये था कि इंस्टीट्यूट में, हाँ ठीक है, 20% स्टूडेंट प्रेजेंट रहेंगे, उससे ऐसा भी तो नियत लग सकता था। लेकिन यहाँ देखिए, 5 जगह भी रैलियाँ हो रही है यूपी में हो रही है ना, चुनाव यूपी में भी हो रही है, गोवा में भी, पंजाब में भी चुनाव हो रही है, 5 जगह ऐसे चुनाव कंडक्ट हो रहे, लेकिन रैलियाँ बंद नहीं हुई, लेकिन इंस्टीट्यूट को बंद किया गया। तुम नेता के बेटा होते तो यही बात बोलते हैं? हम नेता जरूर यही बात बोलते हैं, सवाल ही नहीं। अगर मेरे पिताजी भी इस जगह पे होते, वो भी गलती किए होते, तो हम इस बात को बोलते कि जैसे चुनाव होता वैसे परीक्षा भी होनी चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए, जरूर फ्री एंड फेयर एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। चोरी पर क्या कहोगे? चोरी होता रहा है पहले? ये चोरी कहीं ना कहीं गलत है, ये चोरी तो आखिर ये शिक्षकों की गलती है, तब ना चोरी होता है। स्टूडेंट का ही उतना गट्स नहीं है कि वो चोरी कर सकता है, ठीक है,
कहीं ना कहीं मिली भगत होता है सबका, तभी वो चोरी करता है। तुम भी परीक्षा देने जा रहे हो? यस। कौन सी का पेपर है? मैथमेटिक्स, मैथ है। कितना नंबर आएगा? आ जाएगा 90-80-90 चलेगा। सब लड़का जिससे भी बात किया 90 नंबर का दावा कर रहा है, पर्चा उर्चा लीक हो गया क्या जी? नहीं नहीं है? ऐसा बात नहीं है, इतना बिहार बोर्ड बकलोल नहीं है, कैसे कर देगा? बिहारे बोर्ड में तो सब कुछ होता है जी, तुमको नहीं मालूम है? रूबी राय ने पता है? जानते हो रूबी राय को? जानते। रूबी राय तो बिहार बोर्ड के लिए आइडियल है ना जी? आइडियल है तो हम अपना लगे ना, तो हमने अपना मेहनत किए हैं, शुरू से वही रहे। मेहनत की, पढ़ाई वढ़ाई हुई ठीक ठाक समय पे? ठीक ठाक तो हुए किए हैं। जो दही हुई खा के आए हो घर से? दही जो है खाना खा के आते हैं। नहीं, माँ जो है हमारी, आपकी सबकी माँ, शुभ काम के लिए दही मीठा खिला करके भेजती है। हाँ मिले हैं। दही खा के आए हो? एकदम टाइट है माहौल। जूता पहने? जूता पहन के इजाजत है इस बार जाने की? इजाजत है, एडमिट कार्ड पर जारी किया गया, लिखा गया। चीट उठलाए हो? नहीं। बहुत एक लड़का बोला कि लेके आए हैं? नहीं, हम नहीं चीट करते, मेहनत किए हैं, क्या लगे, हम अपना भरोसा पर गए हैं।